नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैं आर्ट डिज़ाइनिंग में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हम माताजी के ड्रेस कैसे बनाते हैं। माताजी के ड्रेस बनाने के लिए हम शनील का कपड़ा लेंगे, एक हम कॉटन का कपड़ा लेंगे, एक ये फ्यूजिंग लेंगे हम। अब ये कॉटन के शनील के कपड़े को मैं नाप लूँगी। ये मैंने शनील का कपड़ा मैंने 22.5 इंची लिया है मैंने शनील का कपड़ा, और सेम साइज़ का मैं काट लूँगी ये कॉटन का कपड़ा, और सेम साइज़ की काटूँगी मैं ये फ्यूजिंग। तो इसकी लंबाई ली थी 22 इंची, 7 इंची लूँगी मैं चौड़ाई इसकी। देखिए 7 इंची लूँगी मैं इसकी चौड़ाई। तो मैं इस फ्यूजिंग की कटिंग करूँगी सेम इसके बराबर की। ये मैंने कॉटन का कपड़ा लिया है, अब मैं इस पर चिपकाऊंगी फ्यूजिंग। ये मैंने फ्यूजिंग भी कटिंग कर ली है उसी शनील के कपड़े के बराबर की, 22.5 इंची की और 7 इंची चौड़ाई। अब मैं इस फ्यूजिंग को इस कपड़े पे चिपका दूंगी। आप चाहे तो इस पर बुकरम भी लगा सकते हैं फ्यूजिंग की जगह, लेकिन बुकरम धोने के बाद थोड़ी सी ख़राब हो जाती है, इसीलिए मैंने ये फ्यूजिंग लगाई है। इस पर प्रेस करके चिपकानी है आपको। देखिए फ्यूजिंग हमारी चिपक गई है कॉटन के कपड़े पे। अब हम इसकी कर लेंगे कटिंग। ये कटिंग कर लिया मैंने। अब ये जो शनील का कपड़ा आया है, अब ये हम इस पर ऐसे रख के शनील को हमें सीधा हिस्सा हमें अंदर करना है। अब इस पर हम लगाएंगे सिलाई, जिससे कि जो हमारा उल्टा कपड़ा है वो अंदर हो जाए, सीधा कपड़ा हमारा बाहर हो जाए, ये बाहर आ जाएगा हमारा सीधा कपड़ा। तो अब इस पर पहले लगाएंगे हम इस पर सिलाई, यहाँ पर सिलाई लगाएंगे हम। देखिए ये शनील का कपड़ा रखना है हमें उल्टा, फ्यूजिंग आनी चाहिए नीचे, उसके ऊपर कॉटन का कपड़ा, फिर उल्टा रखना है हमें शनील का कपड़ा। अब हम इस पर लगाएंगे यहाँ पर सिलाई। ये हम कर देंगे यहाँ से कट। अब हम इसको सीधा कर देंगे, और फिर यहाँ पर ऊपर भी हम लगाएंगे एक सिलाई, जिससे हमारा ये कपड़ा सेट हो जाए। तो अब हम इस पर लगाएंगे अब सिलाई। देखिए ये फ्यूजिंग का कपड़ा अंदर हो गया है, अस्तर का कपड़ा हमारा नीचे हो गया है, ऊपर सीधी तरफ आ गई हमारी शनील। अब हम इस पर लगाएंगे सिलाई लगानी है कोने पे, बिल्कुल लास्ट में। देखिए हमारी ऊपर की सिलाई है लग गई है। अब हम इसे करेंगे सेट। देखिए सिलाई हो गई है, अब इसे करेंगे हम सेट। आप चाहे तो इसे कच्चा कर सकते हैं ऊपर यहाँ पर, या फिर आप सिलाई भी लगा सकते हैं यहाँ पर, फेविकोल से आप चिपका भी सकते हैं इसको सेट करने के लिए। तो इस पर हम फेरेंगे मशीन बिल्कुल किनारे पे। देखिए ये सिलाई लगा ली मैंने। अब हम इसमें डालेंगे, पहले लगाएंगे हम इस पर लेस। लेस लगाएंगे हम इस पर। लेस लगाऊंगी ये मैं ग्रीन कलर की, क्योंकि ऑरेंज और ग्रीन का कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है। तो ये लेस जो लगाऊंगी मैं बिल्कुल नीचे किनारी पे लगाऊंगी। एक मैं ये लेस लगाऊंगी गोल्डन, ये जो मैं इसके ऊपर लगाऊंगी यहाँ पर 1 इंची का गैप छोड़ के। लेस लगाने से पहले ये जो हमने ये सिलाई लगाई है इसको कर देंगे हम फिनिशिंग, जो जैसे कि एक्स्ट्रा जो है वो निकाल देंगे, ये एक्स्ट्रा हम कट कर देंगे।
अब हम उस पर लगाएंगे लेस। ये लगाएंगे हम इस पर लेस। ये जो किनारी है ना, इसको थोड़ा सा नीचे लेंगे, तो हम इस पर नीचे इसी के साइड में एक बार और लगाएंगे, हम डबल सिलाई लगाएंगे इस पर, जिससे कि मजबूत रहे। तो एक्स्ट्रा एक सिलाई और लगाएंगे। एक लेस हम ये गोल्डन लगाएंगे, ये हम इससे आधा एक इंच गैप देके जब इसमें सिलाई लगाएंगे। आप चाहे तो इसमें दो लेस भी लगा सकते हैं, तीन लेस भी लगा सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। देखिए लेस हमारी लग गई है। अब हम इसमें डालेंगे प्लेटें। प्लेटें डालने से पहले हम इसको मोड़ देंगे, इसको ऐसे मोड़ के सिलाई कर लेंगे दोनों साइड से। देखिए दोनों कोने पे मैंने सिलाई लगा लिया। अब हम डालेंगे इसे प्लेटें। प्लेटें डालने के लिए हमें ये आधा आधा इंच प्लेटों को अंदर करना है ऐसे। फिर इसको ऐसे दोबारा करेंगे हम। ये हमारी प्लेटें तैयार हैं। फिर प्लेटें डालेंगे एक और। ऐसे ही हमें सारी प्लेटें डालनी हैं। देखिए इसको आप थोड़ा सा ऐसे खींच के और इसे अंदर कर दीजिए। ये ऐसे ये हमारी प्लेट तैयार है। आप चाहे तो इसमें अब आप धागा बांध सकती हैं या फिर रबड़ भी लगा सकते हैं। फिर लगा देंगे ये रबड़, जिससे ये प्लेटें खुले नहीं। ये मैंने रबड़ लगा लिया। इसको टाइट सा आपको ऐसे दबा देना है। अब जो ये प्लेटें हैं, अब ये हम मशीन से प्लेटें भरेंगे। जैसे एक प्लेट हमारी ये आ रही, तो हम इसको ऐसे करेंगे। ये दूसरी प्लेट को हम इसको ऐसे मोड़ेंगे। ऐसे हम प्लेटें डालते हुए चले जाएंगे ऐसे। जितनी हमारी माता रानी जी की कमर है, उस हिसाब से हम उनका कमर का बेस रखेंगे। ऐसे प्लेटें डालते जाएंगे और इस पर सिलाई लगा देंगे। प्लेटों पे सिलाई लगाएंगे। देखिए प्लेटों पे सिलाई लग गई है। अब इसी साइज़ की मैं एक पट्टी काटूंगी चौड़ी। आप चाहे तो पतली भी लगा सकते हैं, चौड़ी भी लगा सकते हैं। और इसी में ही उसी पट्टी में मैं इसमें बांधने का भी उसी में रखूंगी। पहले मैं इस पट्टी को नाप लेती हूँ। ये 4.5 इंची है और 4.5 इंची पे ही मैं निशान लगाऊंगी। और ये एक्स्ट्रा मैंने 6 इंची यहाँ से लिया है, 6 इंची यहाँ से लिया है। ये मैं 16 इंची की पट्टी काट लूँगी, ये 2 इंच चौड़ी। देखिए 16 इंची की पट्टी मैंने कट कर ली है। अब मैं इसके ऊपर ऐसे रख के इस पर सिलाई लगाऊंगी। ये मैंने सिलाई लगा ली है। देखिए सिलाई लग गई है हमारी। अब हम इसको पीछे की साइड 1/2 इंच कपड़ा दबा के और इसी सिलाई के ऊपर हम इस पर सिलाई लगा देंगे, जो पीछे से ही फिनिशिंग आई है और आगे से भी। आगे से ये हमारा 1/2 इंची कपड़ा बढ़ गया है। ये कपड़ा एक्स्ट्रा इसलिए लिया है मैंने, क्योंकि मैं इसी में ही बांधने के लिए करा है मैंने। ये पीछे माता रानी की डोरी बांधने के लिए, तो मैंने ये इसी में एक्स्ट्रा कपड़ा ले लिया है, तो मैं इसे ही
पे ही मैं सिलाई लगा दूंगी। देखिए जो हमने ये पीछे कपड़ा मोड़ा था, हमें उसी सिलाई के ऊपर कपड़ा रख के और फिर इसी के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। नीचे का कपड़ा हमें मोड़ना है और ऊपर सीधा कपड़ा करके फिर सीधी सिलाई लगाएंगे। देखिए सिलाई लग गई है, ये मैंने पीछे बांधने का भी इसी में जॉइंट कर दिया है। और जो ये हमारी एक्स्ट्रा जो हमने प्लेटें डाली थी, तो ये वाली सिलाई हम उधेड़ देंगे और इसको रबड़ को हम खोल देंगे। ये हमारा माता रानी का लहंगा तैयार है। अब हम इस पर लगाएंगे स्टोन ग्रीन कलर के, क्योंकि हमने ग्रीन रंग का ये बॉर्डर लगाया है, इसीलिए हम यहाँ पर ग्रीन रंग के स्टोन लगाएंगे, क्योंकि हम इस ड्रेस लहंगे के साथ के हम ग्रीन रंग की चुन्नी तैयार करेंगे। पहले हम इस पर लगाएंगे फेविकॉल, ये हम कहीं कहीं लगाएंगे स्टोन, जिससे हमारी ड्रेस में और लुक आएगा अच्छा। तो ये हमने इस फेविकॉल लगा लिया, अब इस पर छुपाएंगे हम स्टोन ग्रीन कलर के, क्योंकि हमारी ग्रीन कलर की हमने लेस लगाई है, ग्रीन कलर का इसका दुपट्टा है, इसलिए हम ग्रीन कलर के इसमें स्टोन लगाएंगे। देखिए हमारा लहंगा तैयार है माता रानी का। अब हम बनाएंगे माता रानी का ब्लाउज। देखिए सिंगल कपड़ा है, अब हम इसका बनाएंगे ब्लाउज माता रानी का। तो ब्लाउज के लिए हम लेंगे यहाँ से 5 इंची लंबाई, और 4.5 इंची ले लेंगे हम चौड़ाई। 5 इंची लंबाई, 4.5 इंची चौड़ाई। अब इसे कर देंगे हम कट। देखिए मैंने कट कर लिया है। अब हम गला बनाएंगे माता रानी का ब्लाउज़ का गला। ब्लाउज़ का गला बनाने के लिए हमें नाप लेना है यहाँ से 1.5 इंची और 2 इंची लंबाई। तो ये हमें तिरछी सिलाई लगा कट कर देना है, सॉरी तिरछा कट करेंगे हम इसको यहाँ से ऐसे, ये हम कट कर देंगे। ये हमारा माता रानी का ब्लाउज कटिंग हो गया। अब हम इस पर लगाएंगे लेस, ये मैंने ग्रीन कलर की लेस ली है, ये मैं यहाँ पर लेस लगाऊंगी ऐसे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, और यहाँ पर दूंगी मैं गोल्डन कलर। देखिए चोली हमारी तैयार है, ये मैंने ग्रीन रंग की लेस लगा दी, गोल्डन कलर की मैंने गले पे लगा दी। ये मैंने 4 पट्टी तैयार करी है, ये 2 पट्टी तो हम इस साइड लगाएंगे कंधों पे, और ये एक एक पट्टी लगाएंगे हम कमर पे, जिसे बांधने में आसानी रहे। देखिए चोली हमारी तैयार हो गई है, मैंने इसमें स्टोन भी लगा लिए हैं। ये मैंने कमर पे बांधने के लिए रख कर दिया है, ये मैंने माता रानी के पीछे शोल्डर पे, ये वहाँ बांधने का हिस्सा है। ऐसी ही मैंने माता रानी की चुन्नी तैयार कर ली है ग्रीन कलर की। ग्रीन कलर की हमने ग्रीन रंग की लेस लगाई है ऑरेंज कलर की ड्रेस पे। देखिए ये मैंने फर वाली लेस लगाई है, ये आगे आएगी माता रानी के माथे पे। ये ऑरेंज कलर की ड्रेस है, तो मैंने इसमें ऑरेंज कलर की एक लेस दे दी है। ये गोल्डन कलर का मैंने चारों तरफ बॉर्डर लगा दिया किनारी का, देखिए। और ये मैंने आगे फ्रंट पे दे दिए। ये हमारा लहंगा हो गया, ये हमारी चोली हो गई, ये हमारी चुन्नी हो गई। ये ड्रेस बनाई है मैंने 9 इंची माता रानी की। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।